आजकल खबरों को देखकर आपको लगता होगा कि दुनिया में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। इसके बावजूद जी न्यूज दिखाना चाहता है कि हर जगह दुखद खबर नहीं होती। हमारा मानना है कि आपके आसपास ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें हो रही हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, इसलिए हमने आपके लिए पॉजिटिव न्यूज का एक खास सेगमेंट तैयार किया है। पॉजिटिव खबरें देखिए सिर्फ जी न्यूज। हरियाणा के सिरसा में हेलन केलर दृष्टि बाधितार्थ विद्यालय के बच्चे दृष्टिहीन होने के बावजूद किसी से कम नहीं है। ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और आर्ट में भी आगे हैं। स्कूल के महासचिव अरुण मेहता ने बताया कि पहले बच्चों को सिर्फ ब्रेल लिपि की मदद से पढ़ाया जाता था, लेकिन अब डिजिटाइजेशन भी किया जा रहा है। हरियाणा में इस तरह के सिर्फ दो ही स्कूल हैं। बिहार के भागलपुर में एक पुलिस पाठशाला चलाई जा रही है। इस पाठशाला में गरीब बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ पुलिस भर्ती की तैयारी भी कराई जाती है। दरोगा पद के लिए इस पाठशाला से 150 विद्यार्थी सफल रहे हैं। पाठशाला की शुरुआत शहर के पूर्व पुलिस कप्तान मनोज कुमार ने की थी, जिसे नए पुलिस कप्तान आशीष भारती ने आगे बढ़ाया। हरियाणा के मेवात जिले की जैबूना अपने आसपास के इलाके की महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। पति की बीमारी के चलते जैबूना खुद ही परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। जैबूना ने एक स्वयं सहायता समूह बनाया और गांव की महिलाओं के साथ मिलकर जमीन पट्टे पर ली। अब वो वहां खेती करेंगी। जैबूना मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने चंडीगढ़ में मेवात का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। आपने रिकॉर्ड बनाने वाले तो कई देखे होंगे, पर ऐसा रिकॉर्ड पहले कभी नहीं देखा होगा। उदयपुर के इकबाल सक्का के नाम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने का रिकॉर्ड है। इकबाल सोने और चांदी की बहुत ही छोटी कलाकृतियां बनाते हैं और उनके नाम अब तक 56 रिकॉर्ड हैं। इकबाल चाहते हैं कि उनकी कलाकृतियों को सरकार एक संग्रहालय में रखे।